हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो में हमने टाइप ऑफ फंक्शंस डिस्कस कर लिए थे, कॉन्सेप्ट हमने सारा डिस्कस कर लिया था उसमें, और ऑलमोस्ट हमने एग्जांपल भी कर लिए थे। अभी इसमें हम डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 2.1 के जो क्वेश्चंस हैं। मैं एक बार आपको फिर थोड़ा सा मैं ब्रीफ कर दे रहा हूँ, जैसा कि आप लोगों को पता ही है कि जब भी मैं एक्सरसाइज शुरू करता हूँ तो एक बार कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा ब्रीफ कर देता हूँ। तो मैं यहाँ पर थोड़ा आपका एक बार कॉन्सेप्ट में ब्रीफ करना चाहूँगा। टाइप ऑफ फंक्शन हमने पढ़ा था फोर टाइप का बेसिकली। उसमें सबसे पहला है हमारा 1-1, जिसको हम इंजेक्टिव कहते हैं। 1-1 में क्या होता है, हर एक एलिमेंट का एक इमेज बनता है। और अंडरस्टैंडिंग के लिए मैं आपको बताऊंगा
अब हम बात करते हैं जो हमारा नेक्स्ट एग्जाम एक्सरसाइज क्वेश्चन है, सेकंड क्वेश्चन। इसमें कई सारे पार्ट हैं, आप ध्यान से देखो, और ये ओरली समझने वाला ही चीज़ है, बट फिर भी लिखने की जहाँ तक बात, ये आपको लिखना होगा। लिखने में वही है सब में, इफ एफ एक्स बराबर एफ वाई इम्प्लाई दैट एक्स बराबर वाई। ये देखो नेचुरल टू नेचुरल है, नेचुरल के अंदर केवल पॉजिटिव नंबर होते हैं, और पॉजिटिव में हर डिफरेंट नंबर का स्क्वायर डिफरेंट डिफरेंट होता है। वन का स्क्वायर वन होगा, टू का स्क्वायर टू फोर होगा, थ्री का स्क्वायर नाइन होगा, फाइव फोर का स्क्वायर सिक्सटीन होगा, फाइव का स्क्वायर 25 होगा, डॉट डॉट चलेगा। यानी कि फर्स्ट सेट का हर एक नंबर सेकेंड सेट के साथ एसोसिएट होगा, तो ये वन वन हो जाएगा, क्योंकि एफ एक्स वन वही लिया गया है। अभी मैं मार्क करके आपको दिखा रहा हूँ, दिखा के बताने से आपको ज़्यादा क्लियर होगा। ये देखो, ये हमने लिया, एन टू एन के लिए एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर हमारे पास फंक्शन है, तो इन्होंने लिखा है इट इज़ सीन दैट। हम ये नहीं लिखेंगे कि, हम लिखेंगे कि वी नो दैट। हम क्या लिखेंगे यहाँ पर इट इज़ सीन दैट के जगह पर, हम लिखेंगे वी नो दैट, के एन ओ डब्ल्यू, वी नो दैट। ये दैट वाला ठीक है पोर्शन, ये जो पोर्शन है ना इतना वाला, ये ठीक है। वी नो दैट, बस ये आपको हटाना है, ये केवल, ये केवल आपको नहीं लिखना है, वी इट इज सीन के जगह को हटा देना है। वी नो दैट फॉर एक्स वाई बिलोंग्स टू एन, मतलब अगर एक्स और वाई हम नेचुरल नंबर लेते हैं, एफ एक्स बराबर एफ एक्स वाई निकालें, यानी कि दोनों का स्क्वायर करें, तो अगर दोनों डिफरेंट नेचुरल नंबर होगा तो उनका स्क्वायर भी डिफरेंट होगा, यानी कि एक्स स्क्वायर बराबर वाई स्क्वायर, यानी एक्स इज इक्वल टू वाई। बट जो टू है, थ्री है, फाइव है, सिक्स है, दूसरे सेट की बात हम कर रहे हैं, ये दूसरे सेट की बात कर रहे हैं, इसके अंदर तो हर नंबर का स्क्वायर, हर नंबर है वन टू थ्री फोर फाइव, उन सबका स्क्वायर उधर मिलता जाएगा, लेकिन जो दूसरा सेट है उसके अंदर टू है, थ्री है, फाइव है, सिक्स है, सेवन है, एट है, नाइन है, वो किसी का इमेज नहीं होगा। जैसे मैं पहले ही बताया हूँ, ये दो सेट होता है, इसको हम प्री इमेज कहते हैं, इसको हम इमेज कहते हैं। तो दूसरा सेट है उसके अंदर टू है, थ्री है, फाइव है, सिक्स है, सेवन है, एट है, टेन है, इलेवन है, ट्वेल्व है, वगैरह वगैरह, उसका प्री इमेज पहले में नहीं होगा। इसका मतलब है कि बहुत सारे एलिमेंट सेकेंड सेट में फ्री बच जाएंगे, और फ्री बचने के चलते ये इंजेक्टिव तो हो जाएगा लेकिन सर्जेक्टिव नहीं होगा, यानी कि ऑन टू नहीं होगा। और अगर वन वन हो गया और ऑन टू नहीं होगा तो इसका मतलब ये बाइजेक्टिव भी नहीं होगा। अब हम जेड टू जेड की बात करें तो देखो यहाँ पर डिफरेंट हो गया, यहाँ पर एन टू एन वन वन हो गया था, लेकिन जेड टू जेड वन वन नहीं होगा, क्योंकि जेड के अंदर इंटीजर के अंदर निगेटिव नंबर भी होते हैं, और माइनस वन का स्क्वायर भी वन होता है, प्लस वन का स्क्वायर भी वन होता है, माइनस टू का स्क्वायर फोर होता है, प्लस टू का स्क्वायर भी फोर होता है। देखो यहाँ लिखा हुआ है इट सीन दैट एफ ऑफ माइनस वन इज इक्वल टू एफ ऑफ वन बराबर वन, बट माइनस वन इज नॉट इक्वल टू वन, हैंस इट इज़ नॉट इंजेक्टिव। इसी तरीके से अब हम बात करते हैं तो लेफ्ट साइड के, तो हर नंबर का स्क्वायर राइट साइड में मिल जाएगा। मैं लेफ्ट कह रहा हूँ इसको और राइट कह रहा हूँ इसको, क्योंकि यहाँ एक लिखते हो और एक यहाँ लिखते हो, तो लेफ्ट के हर एक नंबर का राइट के अंदर स्क्वायर मिल जाएगा। निगेटिव यहाँ पर जेड है और यहाँ भी जेड है, ये मैं दूसरे के लिए बता रहा था, तो पहले बता रहे थे हो गया था दूसरे के लिए। तो जेड के अंदर निगेटिव हो या पॉजिटिव हो, स्क्वायर उसका पॉजिटिव हो जाएगा, तो सेकेंड के अंदर हर पॉजिटिव नंबर का इमेज बन गया। लेकिन सेकेंड सेट के अंदर जितने भी निगेटिव नंबर्स हैं वो तो किसी का स्क्वायर हो ही नहीं सकते हैं, यानी कि माइनस वन माइनस टू बिलोंग्स टू जेड, देयर एक डज नॉट एग्जिस्ट एनी एलिमेंट एक्स बिलोंग्स टू जेड सच दैट एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस टू। कहने का मतलब इनका ये है कि किसी भी नंबर का स्क्वायर माइनस टू नहीं होगा, और माइनस टू नहीं होगा इस तरह से वो के चलते वो हमारा सब्जेक्टिव नहीं हो पाएगा। तो ये जो भी आप इसे चार पार्ट देख रहे हो, जहाँ भी एन टू एन था उसको छोड़ दिया जाए, तो और किसी में वन वन नहीं हो सकता है। वन वन होने के लिए एन टू एन होना जरूरी है। एन टू एन एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर भी वन वन हो जाएगा, और एफ एक्स बराबर एक्स क्यूब भी वन वन हो जाएगा।
लेकिन जेड टू जेड की अगर बात करो तो एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर जो है वो 1-1 नहीं होगा। आर टू आर की बात करोगे तो एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर हमारा 1-1 नहीं होगा, लेकिन एफ एक्स बराबर एक्स क्यूब जो है वो 1-1 हो जाएगा, क्योंकि निगेटिव का क्यूब निगेटिव होगा, पॉजिटिव का क्यूब पॉजिटिव होगा, तो इसलिए वो 1-1 हो जाएगा। लेकिन ये जितने पार्ट आप देख रहे हो, आपको ये पता चलेगा कि कोई भी पार्ट हमारा ऑन टू नहीं है। देखो पहला जो था फर्स्ट पार्ट देखो, यहाँ से इट इज़ इन दैट, यहाँ पर देखो एफ इज़ नॉट सर्जेक्टिव। सेकेंड पार्ट देखो एफ इज़ नॉट इंजेक्टिव, क्योंकि ये जेड टू जेड था तो इसलिए इंजेक्टिव भी नहीं हुआ और सर्जेक्टिव भी नहीं हुआ। आप तीसरे पार्ट की बात करो तो नॉट इंजेक्टिव, क्योंकि आर टू आर था और साथ ही ये सर्जेक्टिव भी नहीं होगा। अगले पेज पर आ गए हम। अगर हम फोर्थ वाले पार्ट की बात करें तो वो भी एन टू एन है, तो वहाँ एफ एक्स बराबर एक्स क्यूब जो है वो इंजेक्टिव हो जाएगा। देखो ध्यान से, यहाँ एफ इंजेक्टिव है लेकिन सर्जेक्टिव ये भी नहीं होगा। फिर पांचवा पार्ट हमारा जेड टू जेड बराबर है और एफ एक्स बराबर एक्स क्यूब है, तो ये इंजेक्टिव हो गया, क्योंकि निगेटिव का स्क्वायर निगेटिव का क्यूब निगेटिव ही होता है, स्क्वायर में तो पॉजिटिव हो जा रहा था तो वहाँ पर नहीं हुआ, लेकिन यहाँ पर इंजेक्टिव हो जाएगा लेकिन सर्जेक्टिव नहीं होगा। तो इस तरह से हमने देखा, ये जो सेकेंड क्वेश्चन है कुछ स्पेसिफिक कंडीशन के तहत हमें पता चल जाएगा देखते ही, और अगर आपको नंबर सिस्टम के विषय में अच्छी तरह से पता हो तो आपको देखते ही पता चल जाएगा कि कंजेक्टिव होगा या नहीं होगा, सब्जेक्टिव होगा या नहीं होगा। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की, और ये भी दो पार्ट है, क्वेश्चन नंबर 2 क्वेश्चन है, थर्ड क्वेश्चन है, फोर्थ क्वेश्चन है और फिफ्थ क्वेश्चन है। इन तीनों क्वेश्चन के विषय में मैं आपको बता देता हूँ कि जो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन होते हैं या मॉडुलस फंक्शन होते हैं वो कभी भी 1-1 नहीं हो सकते हैं। मैं आपको इसके लिए पेज ब्लैंक पेज पर आकर के और बताता हूँ।
हाँ, 10th क्वेश्चन की बात करें, हमारे पास a बराबर r माइनस 3 है और b बराबर r माइनस 1 है, यानी कि इस a और b हमारे पास दो सेट है, a के अंदर सेट ऑफ ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट 3 है और सेट b के अंदर सेट ऑफ ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट 1 है। तो हम बात करते हैं हमारे पास फंक्शन क्या है, फंक्शन हमारा है एफ एक्स बराबर एक्स माइनस 2 अपॉन एक्स माइनस 3। हमें बताना है कि क्या एफ 11 एंड ऑन 2 होगा। तो देखो, हम यहाँ पर इन्वर्सिबल वाला कॉन्सेप्ट ले रहे हैं, एक्स को